आज का जो प्रोटेस्ट है इसके बारे में सर बताओ। ये आज जो गवर्नर इंतजामिया ने नेशनल हाईवे पर चलने से बैन लगाया है, हफ्ते में महीने में हर हफ्ते में दो दो दिन छुट्टी रखे हैं। मुझे लग रहा है ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नाइंसाफी है। मुझे लग रहा है हमसे हमारा ये जो फंडामेंटल राइट है, हमसे फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है। ये गुंडागर्दी है, दहशतगर्दी है, ये आवाम का हक है। हम आज एज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यहाँ आज नेशनल हाईवे पर आए, हमने प्रोटेस्ट किया है। हम ये प्रोटेस्ट जो इनका ये कानून जो इसने है वो ब्रेक कर रहे हैं। हम नेशनल हाईवे पर चलेंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों को इस तरह हरास नहीं किया जा रहा है और आए दिन ये जो नए नए कानून निकाल रहे हैं, मुझे लग रहा है ये गवर्नर इंतजामिया की दहशतगर्दी है। आज मुझे प्रेसिडेंट भी आया था अभी ट्रेडर्स फेडरेशन, वो कहते हैं साहब हमारी लाइफ लाइन जो है यही लोग हैं और इसको बंद करने से हमारे ऊपर जबरदस्त नुकसान होगा और ये ऑर्डर इनको वापस लेना चाहिए। इसीलिए हम निकले हैं कि ये गलत ऑर्डर है। तो आपको लगे इनको फौज को निकालना है तो रेल इस्तेमाल करें और या नाइट में चले जहाँ पर करें, पीछे रखूंगा। यही हमारे मकसद। सर आप मानते हैं कि ये जोर जबरदस्ती की जा रही है लोगों के साथ? ये बहुत जोर जबरदस्ती है और ये गलत है, ये डिक्टेटरशिप का कानून जैसा लगता है। तो आपकी क्या सर मांग रहेगी? सर हमारी मांग है कि इस ऑर्डर को वापस लो। थैंक यू सर।